हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फिफ्थ की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। लेसन नंबर टू होगा हमारा, जिसका नाम है रियल ब्यूटी। ठीक है, रियल ब्यूटी का मतलब क्या होगा बच्चों? वास्तविक सुंदरता, ट्रू ब्यूटी। इसको ट्रू ब्यूटी भी एक बार कह सकते हैं। ठीक है, ट्रू ब्यूटी का क्या मतलब होता है कि जो असली सुंदरता है वो हमें भ्रम रहता है कि कोई अगर आदमी अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ ये वाकई में बहुत सुंदर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसका चाल ढाल कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा है। बात समझ आ गई? तो बच्चों बुक ओपन करेंगे। तो बच्चों अपना बुक ओपन कर लीजिए, ये बुक दिख रही है आपको। ओपन करेंगे, आएंगे बच्चे पेज नंबर 8 पर। ठीक है, तो पेज नंबर 8 पर आएंगे और हम कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोरी मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, सुनाते जाऊंगा, आप भी बुक देखेंगे, पढ़ते जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट मीनिंग होगा बच्चों मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। ठीक है, आपका होमवर्क है, क्या बोले, नोट करेंगे और उन्हें लर्न भी करेंगे, ताकि मैं जब कभी पूछूं तो आप मुझे बता पाएँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले की बात है, इसको पहले ही लिख लो, ये हर जगह आता है। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, इसका क्या मतलब होता है? बहुत समय पहले की बात है या फिर बहुत पुरानी बात है। बहुत समय पहले की बात है, इसका यही मतलब होता है बच्चे। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, देयर वॉज ए किंग एंड क्वीन, एक राजा था और एक रानी था। किंग मतलब राजा और क्वीन मतलब रानी। दे हैड ए ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड एलिना, उनके पास एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम एलिना था। क्या नाम था? एलिना नाम था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एलिना वाज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, एलिना को अपने सुंदरता पे बहुत नाज था, बहुत ही घमंड था, बहुत ही गर्व था। लिखता हूँ, एलिना वाज प्राउड, प्राउड का क्या मतलब होता है? पी आर ओ यू डी, प्राउड का मतलब जो गर्व या फिर नाज, क्या बोल सकते हैं, नाज बोलते हैं ना, हमें तुम पर नाज है, तो नाज का क्या मतलब होता है? गर्व होना। तो उसे अपने सुंदरता पे बहुत विश्वास था, बहुत गर्व होता था कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह सी लुक्ड इन टू हर मिरर, प्रत्येक सुबह वह अपने शीशे में देखती थी, प्रत्येक सुबह वह अपने शीशे में देखती थी, किसको? खुद को। मिरर मतलब मिरर, एम आई आर आर ओ आर, मिरर मतलब बच्चों दर्पण। वह प्रत्येक सुबह खुद को दर्पण में देखती थी, मिरर में देखती थी, शीशे में देखती थी। ठीक है, ठीक है, एंड सेड, और कहती थी, देयर इज नो वन, कोई नहीं है, एज ब्यूटीफुल एज आई एम, जितना सुंदर मैं हूँ। कहती थी कि भैया मेरे जितना सुंदर तो कोई दुनिया में है ही नहीं, जितना सुंदर मैं हूँ। बात समझ में आ गई? आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस इन द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी हूँ। उसको ऐसा लगता था कि इस दुनिया में उससे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है। बात समझ में आ गई? तो वो शीशे में रोज़ अपने आप को देख करके, अपनी सुंदरता को देख करके ये बात कहती थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज एलिना वाज लुकिंग इन टू हर मिरर, जैसे कि एलिना अपने शीशे में, अपने दर्पण में खुद को देख रही थी। सी हर्ड ए स्ट्रेंज वॉइस, उसने एक अजनबी सी आवाज़ सुनी। सी हर्ड, हर्ड मतलब सुनना, लिख लेंगे एच ई ए आर। हियर, हियर मतलब होता है सुनना। ठीक है, उसने तो क्या कहा? वन मॉर्निंग, ठीक है, उसने सुना, क्या सुना? हियर मतलब सुनना, उसने सुना, क्या सुना? ए स्ट्रेंज, एस टी आर ए एन जी, एस टी आर ए एन जी, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है बच्चों अजनबी। क्या होता है?
अजनबी, कहीं कहीं इसका मतलब अजीब भी होता है लेकिन यहाँ पर मतलब है अजनबी। उसने जब वह अपने शीशे में अपने आप को देख रही थी और कह रही थी कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, तो उसे एक अजनबी सी आवाज़ सुनाई दी। अजनबी का मतलब ऐसा हो गया जो कभी पहले ना सुना हो या फिर देखा हो, ठीक है। उसे हम अजनबी बोलते हैं, जिसे हम पहचानते नहीं हैं उसे हम अजनबी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे है, सी हर्ड ए स्ट्रेंज वॉइस, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। कहते हुए, आवाज़ क्या कह रही थी, डोंट बी प्राउड ऑफ योर ब्यूटी, अपनी सुंदरता पे खुश मत होइए। उसने कहा अपनी सुंदरता पर आप खुश मत होइए। ओ प्रिंसेस, ओ प्रिंसेस, अपनी सुंदरता पे आप खुश मत होइए। देयर आर मेनी थिंग्स मोर, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं ब्यूटीफुल देन यू इन दिस वर्ल्ड, जो कि आपसे ज़्यादा सुंदर हैं इस दुनिया में। बात समझाई? तो उस लड़की ने, उस आवाज़ ने कहा कि ए प्रिंसेस, तुमसे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर लोग इस दुनिया में हैं, अपने आप पर अब घमंड मत करिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। सी लुक अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। राजकुमारी क्या करी, चारों तरफ देख रही है, अरे कौन बोल रहा है। लेकिन बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। देन सी हर्ड अगेन, फिर उसने दोबारा वही आवाज़ सुनी। कौन, फिर उसने क्या कहा, आई नो यू वॉन्ट बिलीव मी, मैं जानता हूँ या फिर जानती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। बिलीव मतलब विश्वास करना, लिख लेना बिलीव। लिखना बिलीव, बी ई बी ई एल आई ई वी ई, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। विश्वास करना, ठीक है। गो टू द पूल, पूल में जाओ। इन योर गार्डन, अपने बगीचे में पूल के पास जाओ। देयर यू विल सी थ्री थिंग्स मोर ब्यूटीफुल देन यू, वहाँ पर तुम्हें तीन चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो तुमसे भी ज़्यादा सुंदर हैं। गार्डन में जाओ, वहाँ पर तुम्हें तीन ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो तुमसे भी ज़्यादा क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। एलिना वाज वेरी एंग्री, एलिना को बहुत गुस्सा आया, एलिना बहुत गुस्सा हो गई। सी सेड टू हर्सेल्फ, उसने खुद से कहा, कुड देयर बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल देन आई। बच्चों मैंने आपको सुना समझाया था, ये कैसा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वो खुद से क्वेश्चन पूछ रही है, क्या क्वेश्चन पूछ रही है, कुड देयर बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में क्या कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है मोर ब्यूटीफुल देन आई, जो मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सो सी वेंट टू द पूल, इसलिए वह अपने बगीचे में पूल के पास गई। व्हाट दोज थ्री थिंग्स वेयर, टू सी व्हाट दोज थिंग्स थ्री थिंग्स वेयर, वह उन तीन चीज़ों को देखने के लिए गई जो उससे ज़्यादा सुंदर थी, जो उस आवाज़ ने बताई थी। बात समझ में आ गई? सी लुक्ड इनटू द पूल, उसने पूल में झांका, उसने पूल में देखा। पूल मतलब बच्चे नहाने के लिए, स्विमिंग पूल होता है, एक गड्ढा टाइप का होता है, उसमें पानी भरा होता है नहाने के लिए, बड़े बड़े घरों में होता है बच्चों, ठीक है, कहीं कहीं होटल्स में भी होता है। तो उसमें बच्चों उसने देखा कि पानी भरा हुआ है। एंड सॉ ए लवली लोटस फ्लावर, और एक सुंदर सा लोटस फ्लावर मतलब कि कमल का फूल देखा। क्या देखा, कमल का फूल देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी हर्ड द सेम स्ट्रेंज वॉइस, उसने वही अजनबी सी आवाज़ फिर से सुनी। कहते हुए, आवाज़ क्या कह रही थी, दिस लोटस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन यू, यह कमल का फूल जो है वह तुमसे बहुत सुंदर है, तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है। इट गिव्स जॉय टू ऑल, यह सभी लोगों को खुशी देती है, जॉय देती है, इंजॉय देती है। बात समझ में आ गई? बट अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नो बडी इज मच प्रिटियर देन यू, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुमसे सुंदर तो कोई नहीं है। एंड यू गिव नो जॉय टू एनी वन, और तुम किसी को कोई खुशी नहीं देती हो। फॉर यू आर वेरी आर प्राउड, जिसके लिए तुम बहुत नाज करती हो। उस अजनबी से आवाज़ ने कहा कि ये जो कमल का फूल है, इसको देख कर लोगों को खुशी होती है, लोग खुश होते हैं इसको देख के और लोगों को खुशी होती है, लेकिन तुम्हारी जो सुंदरता है वो किसी को कुछ नहीं देती है, वो किसी को खुशी नहीं देती है, तो तुम अच्छी कैसे हो गई इससे,
बात समझ में आ गई? तो वही वो फूल उसको, अरे वही वो आज उसको समझा रहा था। एलिना रिटर्न एंग्रीली, एलिना गुस्से से, पैलेस मतलब होता महल, गुस्से से महल में वापस आ गई। कहाँ पे वापस आ गई? महल में आ गई वापस। पैलेस, पैलेस मतलब होता है जो महल, पी ए एल ए सी ई, पैलेस। पैलेस का मतलब होता महल, अपने महल में राजकुमारी थी भाई, वो महल में रहती थी, अपने महल में वो वापस आ गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सून द सनसेट, जल्द ही सूरज डूब गया, सूर्यास्त हो गया। एंड द नाइट केम, और रात्रि का समय आ गया। द लवली स्टार्स अपीयर्ड, प्रकट हो गए। द भाई रात में ही तो तारे निकलते हैं। द लवली स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, और आसमान में, आसमान में क्या हो गए? तारे उग गए, तारे आ गए। ठीक है, सी वेंट टू द पूल अगेन, वह दोबारा पूल में गई। वह कहाँ पर गई? दोबारा पूल में गई। सी लुक्ड इन टू द वाटर, उसने दोबारा पानी में देखा, उसने दोबारा पानी में देखा। एंड देयर सी सॉ द स्टार शाइनिंग ब्यूटीफुली, और वहाँ उसने तारों को खूब अच्छे से चमचमाते हुए देखा। अगेन सी हर्ड द स्ट्रेंज वॉइस, अगेन मतलब दोबारा उसने वह आवाज़ सुनी कहते हुए, दीज स्टार्स आर मोर ब्यूटीफुल देन यू, ये तारे तुमसे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तुमसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। फॉर द स्टार्स, ठीक है, फॉर द स्टार्स गिव जॉय टू ऑल, क्योंकि क्योंकि तारे जो हैं वो दूसरों को जॉय देते हैं, खुशी देते हैं, उन्हें देख के बच्चे खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो तुमसे बहुत ज़्यादा खुद अच्छी दिख रही है, और तुम तो किसी को कुछ नहीं देती हो। यू गिव जॉय टू नो वन, तुम किसी को खुशी नहीं देती हो, तुम किसी को खुश नहीं रख पाती हो। फॉर यू आर वेरी प्राउड, पता नहीं तुम क्यों खुश होती हो उस बात पे। बात समझ में आ गई? एलिना इंटर्ड सैडली इन टू द पैलेस, एलिना दुखी होकर अपने महल में लौट गई। दैट नाइट सी कुड नॉट स्लीप, उस रात वह सो नहीं पाई एट ऑल, किसी भी प्रकार से। सी वाज सैड बिकॉज, वह दुखी थी क्योंकि देर वेयर मैनी थिंग्स मोर ब्यूटिफुल देन सी, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी उसको दिखने लगी जो तो उससे भी ज़्यादा सुंदर थी भाई। जैसा जैसा उस आवाज़ ने कहा उसने ऐसा सा फील करने लगी, उसको दिखाई दिया कि भाई मुझसे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर लोग इस दुनिया में हैं, मुझसे भी ज़्यादा सुंदरता वाली चीज़ें हैं इस दुनिया में। तो वो बहुत दुखी हो गई सब सोच के, और वो रात भर सो नहीं पाई। नाउ एलिना वांटेड टू नो द थर्ड थिंग, तो बच्चों उस आवाज़ ने कहा था तीन चीज़ें तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं इस दुनिया में, और दो चीज़ उसने देख लिया था, अब तीसरे की बारी थी कि भैया तीसरा चीज़ क्या है उसको भी देख लूँ। ठीक है, उसको भी देखना चाहती थी वो। सो सी गॉट अप अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए वह अगले दिन जल्दी से जल्दी उठ गई, अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड वेंट टू द पूल, और फिर पूल के पास गई। सी लिव्ड इन टू द वाटर, उसने पानी में देखा। एंड देयर सी सा ए फेस लुकिंग बैक एट हर, और उसने एक चेहरा देखा जो उस पर वापस दिख रहा था, उसको देख रहा था। आफ्टर दैट द फेस डिसअपीयर्ड, उसके बाद चेहरा गायब हो गया। डिसअपीयर का मतलब होता है गायब हो जाना, disappear, disappear, disappear मतलब होता है गायब हो जाना, गायब हो जाना। उसके बाद जो है जो वो था, वो फेस था, वो disappear हो गया। It was the face of a blind beggar girl, यह जो चेहरा था एक अंधी भिखारी लड़की का था, मतलब भीख मांगने वाली लड़की का था। जो चेहरा आया और गायब हो गया वो किसका था? एक ऐसी लड़की का था जो अंधी थी और भीख मांगती थी। लिख लेना ब्लाइंड, ब्लाइंड का क्या मतलब होता है जो? ब्लाइंड, बी एल आई एन डी, ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है मतलब अंधा या अंधी, अंधी ऐसे लिखना। और बेगर का क्या मतलब होता है? बी ई डबल जी ए आर, बेगर। बेगर का मतलब होता है जो भिखारी, वो भीख मांग के खाती थी और बहुत सुंदर थी वो भी, लेकिन अंधी थी। बात समझ आ गई? देन सी हर्ड दैट स्ट्रेंज वॉइस अगेन सेइंग, और फिर उसने, और फिर उसने वही अजनबी सी आवाज़ दोबारा सुनी, और आवाज़ कह रही थी, आवाज़ कह रही थी,
दैट दिस ब्लाइंड गर्ल फेस इज मोर ब्यूटिफुल देन योर्स, इस अंधी लड़की का चेहरा तुम्हारे चेहरे से बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब कि जितना सुंदर तुम्हारा चेहरा है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर उस लड़की का चेहरा है। हुज़ दैट गर्ल, आस्क्ड एलिना एंग्रीली, कौन है यह लड़की, एलिना ने गुस्से से पूछा कौन है ये लड़की। दिस ब्लाइंड गर्ल इज ए बिगर, सी हर्ड, उसको फिर आवाज़ आई, उस स्ट्रेंज आवाज ने कहा कि यह अंधी लड़की एक भिखारी है। ठीक है, हर फादर इज वेरी ओल्ड, उसके पिताजी बहुत बूढ़े हो गए हैं। हर मदर इज वेरी इल, उसकी माता जी बहुत बीमार हैं। दिस पुअर गर्ल बेग्स डोर टू डोर ऑल डे लॉन्ग, यह गरीब लड़की दरवाजे पर जाके हमेशा दिन भर भीख मांगती है। इन दिस वे सी गेट्स फूड, इस प्रकार वह खाना पाती है फॉर हर पुअर ओल्ड फादर एंड मदर, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए वह दरवाजे दरवाजे पर जाकर खाना मांगती है और इस प्रकार खाना इकट्ठा करके अपने माता पिता को खिलाती है। वेयर दिस बिगर गर्ल नाउ, आस्क्ड एलिना सैडली, यह सब सुनकर एलिना को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि ये लड़की कहाँ मिलेगी, ये लड़की कहाँ पर है। सीज एट द डोर ऑफ योर पैलेस, यह तुम्हारा, और आवाज़ फिर कह रही है यह लड़की तुम्हारे दरवाजे पर बैठी हुई है। सी हर्ड, उसने सुना, सीज बिगिंग एट योर डोर, वह इस समय तुम्हारे दरवाजे पर ही भीख मांग रही है। ठीक है, एलिना रन बैक टू हर पैलेस, एलिना अपने पैलेस की तरफ, अपने महल की तरफ दौड़ गई। देयर सी सा ए ब्लाइंड गर्ल, वहाँ उसने एक अंधी लड़की को देखा बेगिंग फॉर फूड, भीख मांगते हुए। ठीक है, एलिना टुक हर इनटू द पैलेस, एलिना उसे महल में ले आई। एंड गेव हर फूड, और उसे खाना दिया। क्लॉथेज, कपड़े दिए। एंड सम मनी, और कुछ पैसे दिए। द पुअर गर्ल वेंट हैप्पीली, जो गरीब लड़की थी वह बहुत खुश होकर गई टू हर ओल्ड फादर एंड मदर, अपने मम्मी और पापा के पास। भाई, लड़की बेचारी भीख मांगकर गुजारा करती थी, अब उसको नए नए कपड़े मिल गए, दिन भर का खाना मिल गया, तो वह खुश होकर जाएगी अपने घर पे। ठीक है, तो वो लड़की बहुत खुशी खुशी अपने घर पर गई है। ठीक है, एलिना वाज नाउ वेरी हैप्पी, एलिना को बहुत खुशी हुई। बिकॉज सी अंडरस्टूड वॉज द रियल ब्यूटी इज, एलिना को बहुत खुशी हुई कि क्योंकि उसे पता चल गया कि असली खूबसूरती क्या होती है। असली खूबसूरती बच्चों ये होती है कि आप किसी की मदद करें, जिसको ज़रूरत हो आप उसकी मदद करें। कोई गरीब बच्चा है दिख रहा है आपको, तो आप उसको खाने के लिए दीजिए, उसको पढ़ाई के लिए बुक्स दे दीजिए, उसके लिए कपड़े दे दीजिए, ये है रियल ब्यूटी, तब आपको बहुत खुशी मिलेगी। वही खुशी एलिना को भी हो रही थी। ठीक है, अब उसको समझ में आ गया था कि असली सुंदरता चेहरे से नहीं होती है, असली सुंदरता कैरेक्टर से होती है, किसी की मदद करेंगे तब आपको असली सुंदरता मिलेगी। ठीक है, सी रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ दैट इट इज़ नॉट इनफ टू बी ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, उसको एहसास हुआ कि भैया केवल चेहरे से खूबसूरत होना ही पूरी बात नहीं है, यही सही सुंदरता नहीं है। ठीक है, केवल सुंदरता यही नहीं है कि आप चेहरे से खुश हैं, चेहरे से सुंदर हैं, इनर ब्यूटी एंड गुड सोल आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। इनर ब्यूटी मतलब आंतरिक सुंदरता, इनर मतलब आंतरिक, लिख लेंगे INNER, इनर मतलब होगा आंतरिक, मतलब अंदर की आंतरिक सुंदरता, और गुड सोल, सोल मतलब अंतरात्मा, SOUL, सोल, सोल का मतलब होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा। ठीक है, एंड नाउ सी नो लॉन्गर प्राउड, और उसने अपने चेहरे पर घमंड करना अब छोड़ दिया था, अब उसे अपने चेहरे पर घमंड नहीं रहता था। सी नेवर सेड अगेन, उसने कभी दोबारा यह बात नहीं कही, देयर इज नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम, उसने कभी दोबारा यह बात नहीं कहा कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, लिखा हुआ है सी स्टार्टेड गिविंग फूड
क्लॉथेज एंड मनी टू द पुअर एवरी डे। उसने अब रोज़ाना शुरू कर दिया खाना देना, कपड़े देना और पैसे देना गरीबों को रोज़ रोज़। अब उसे पता चल गया था कि जो असली सुंदरता है, असली खुशी है, वो बच्चों दूसरों की मदद करके आती है, इसलिए उसने अब रोज़ाना ही ये काम करना शुरू कर दिया था। बात समझ आ गई। नाउ द पुअर मैन, अब वह गरीब आदमी, वोमेन औरतों की और चिल्ड्रन बच्चों की, शहर के बच्चे बूढ़ों और औरतों की को प्यार करने लगी, लव्ड हर। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ नाउ द पुअर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द सिटी। और अब गरीब आदमी, औरतें और बच्चे कहाँ के, उस शहर के, उसे प्यार करने लगे, लव्ड हर, प्यार करने लगे। एंड स्टार्टेड कॉलिंग हर, और उसे बुलाना शुरू कर दिया द काइंड प्रिंसेज, दयालु राजकुमारी। जब उसने बच्चों लोगों की सहायता करना, हेल्प करना शुरू कर दिया, तो लोग उसे क्या कहने लगे, क्या कहने लगे, उसे कहने लगे कि हाँ भैया यही असली ब्यूटी है, यही असली सुंदरता है। बात समझ आ गई। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब मैं एक्सरसाइज पे जाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा, बच्चों आपने इस कहानी से सीखा कि जो ब्यूटी होती है वो चेहरे से नहीं होती है, कैरेक्टर से होती है, इनर सोल से होती है। आप जितना ही लोगों की मदद करेंगे, जितना ही और लोगों के काम आएंगे, उतना ही आपको खुशी मिलेगी, और वही सबसे ज़रूरी सुंदरता है और वही असली सुंदरता भी है। चलो लिखा हुआ यहाँ पर देखना, एक्सरसाइज में लिखा हुआ है रीड द पैराग्राफ केयरफुली। इस पैराग्राफ को आपको केयरफुली पढ़ना है। चलो पढ़ लेते हैं। एलिना वाज नाउ वेरी हैप्पी। एलिना अब बहुत खुश थी बिकॉज सी अंडरस्टूड व्हाट द रियल ब्यूटी इज। उससे पता चल चुका था कि असली सुंदरता क्या होती है। सी रियलाइज दैट इट इज नॉट इनफ टू बी ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड। उसे इस बात का एहसास हुआ कि केवल बाहरी सुंदरता ही मायने नहीं रखती है। ठीक है, इनर ब्यूटी एंड गुड सोल आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। बाहरी अंदर की सुंदरता और अच्छी अंतरात्मा भी खुशी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सी वाज नो लॉन्गर प्राउड, और वह अब अपने पर गर्व नहीं करती थी। सी नेवर सेड अगेन, उसने दोबारा कभी नहीं कहा देर इज़ नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम। उसने कभी दोबारा ये बात नहीं कहा कि मैं उतनी सुंदर हूँ, मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर महिला हूँ, इसने ये बात कभी नहीं कहा। ठीक है, सी स्टार्टेड गिविंग फूड, उसने खाना देना शुरू कर दिया, कपड़े देना शुरू कर दिया और मनी देना शुरू कर दिया गरीब लोगों को रोज़ रोज़। अब वो रोज़ रोज़ लोगों को पैसे, कपड़े और खाना देने लगी। ठीक है, अब गरीब आदमी, औरत और बच्चे उसे प्यार करने लगे और उसे कहने लगे द काइंड प्रिंसेस, मतलब कि सुंदर काइंड, मतलब दयालु लड़की। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ, इसमें अब आपको येलो ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम द एबव पैराग्राफ। आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ। एंटोनिम का क्या मतलब होता है बच्चों, एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब कि ये वर्ड लिखा बच्चों, ये एंटोनिम लिखना है इसका। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, मतलब कि जो जो शब्द है सैड, ये वर्ड उसका एंटोनिम इधर लिखेंगे, सैड। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ सैड, सेकंड वर्ड का फेक, फिर लिखा हुआ अगली, यू जी एल वाई, अगली।
आउटर ओ यू टी ई आर आउटर अनइम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट फिर लिखो हेटेड एच ए टी ई डी हेटेड। देखो अब लिखते हैं हम लोग इसका मीनिंग। देखो बच्चों सैड का क्या मतलब होता है, सैड का मतलब था दुखी, दुखी का उल्टा पैराग्राफ में दिया हुआ हैप्पी, क्या दे रखा है हैप्पी, अभी इसका मीनिंग भी मैं लिख दूंगा। फेक, फेक का क्या मतलब होता है नकली, और फेक का उल्टा नकली का उल्टा असली, असली मतलब रियल आर ई ए एल रियल, ठीक है। अगली, अगली का मतलब होता है बच्चों भद्दा, तो भद्दा का उल्टा क्या हो जाएगा सुंदर, सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा बी ई ए यू टी आई एफ यू एल ब्यूटीफुल। आउटर, आउटर का मतलब होता बाहरी, बाहरी का उल्टा क्या हो जाएगा भीतरी या फिर अंदर का, ठीक है इसलिए लिख लेंगे इनर आई एन एन ई आर इनर, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो जरूरी ना हो, तो जो जरूरी ना हो उसका उल्टा क्या होगा जो जरूरी हो, तो इसका हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, क्या हो जाएगा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। हेटेड का उल्टा क्या हो जाएगा, हेटेड मतलब होता है घृणा करना, ठीक है प्यार ना करना, तो इसका मतलब हो जाएगा प्यार करना उल्टा इसका, तो लिखना लव्ड एल ओ वी ई डी लव्ड। बात समझ में आ गई, ये था बच्चों आपका पूरा एंटोनिम इन शब्दों का जो बुक में पूछा गया था। इनका मैं मीनिंग भी लिख देता हूँ क्या क्या मीनिंग है इनके। तो इनका सैड का मतलब होता है बच्चों दुखी, सैड का मतलब होता है दुखी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा खुश, क्या हो जाएगा खुश हैप्पी। फेक का मतलब नकली, तो रियल का मतलब क्या होगा असली, क्या होगा असली। अगली का मतलब भद्दा या गंदा, भद्दा या गंदा, तो ब्यूटीफुल का क्या मतलब हो जाएगा उल्टा इसका सुंदर, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। आउटर का मतलब बाहरी, आउटर का मतलब बाहरी, तो इनर का मतलब आंतरिक या भीतरी, आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर की। अनइम्पॉर्टेंट मतलब गैर जरूरी, मतलब जो जरूरी ना हो, गैर जरूरी, गैर जरूरी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा जरूरी, जरूरी। हेटेड मतलब घृणित, घृणित जिसे कोई प्यार ना करे, और लव्ड मतलब जिसे सब प्यार करें, लव्ड मतलब प्यारा। बात समझ में आ गई, तो ये बच्चों इसका पूरा मीनिंग नोट कर लीजिए इसे भी। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जो एक्सरसाइज है उन्हें हम सॉल्व करेंगे और नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, हमसे संपर्क करें, हमें हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप अपने पढ़ाई को कैरी ऑन करें, तब तक के लिए गुड बाय।